फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स गुजरात के अहमदाबाद से एक खबर ऐसी सामने आई है जिसे सुनकर देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जहां एक विवाहिता ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली मगर आत्महत्या से पहले अपने माँ बाप से फोन कर आत्महत्या करने की बात की वो दर्द भरा ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे और पति ने कहा था कि आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाना और आत्महत्या करने से पहले इस विवाहिता ने वीडियो भी बनाया ये ऑडियो और वीडियो दोनों हम आपको सुनाएंगे और यकीन मानिए सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे जिस लड़की की बात हम कर रहे हैं उस लड़की का नाम है आयशा आरिफ खान और पिता का नाम है लियाकत अली गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले लियाकत अली ने अपनी बेटी आयशा की शादी 2018 में राजस्थान के जालौन में रहने वाले आरिफ खान से की थी मगर हुआ वही शादी के बाद दहेज मांग और विवाहिता को प्रताड़ित करना ऐसा आरोप आयशा के पिता लियाकत अली ने ससुराल वालों पर लगाया है और आखिरकार प्रताड़ना से आयशा इतना तंग आ गई कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया अपने माँ बाप से आयशा ने आत्महत्या करने से जो बात पहले की थी और जो दर्द अपने माँ बाप से बयां की थी वो दर्द सुनने के बाद भी उसके माँ बाप ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि बेटी ऐसा कदम मत उठा सब ठीक हो जाएगा मगर उसके बावजूद भी आयशा ने उनकी बात नहीं मानी पहले सुनिए ये ऑडियो क्लिप हाँ बेटा कहाँ है बस आ रही हूँ मैं निकल जा कहाँ पर है तू रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं मैं मोंटू को भेजता हूँ हेलो सुनो हाँ मेरी बात सुन बेटा कुछ नहीं सुनना पप्पा देख गलत बात मत कर ले अम्मी से बात कर मुझे कुछ नहीं सुनना मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सोवल नहीं बेटा ऐसा काम मत करना बहुत हो गया ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी इसे जो चाहे बोलना नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करना बस हुआ ना माँ बस ऐसा कुछ नहीं है मेरे को बस हुआ माँ हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना कुछ भी नहीं नहीं हो पानी में कूदना है नहीं थी ना माम बहुत बार बाबा की कसम ऐसा काम मत नहीं थी ना माम मैं भी थक गई हूँ हाँ तो सब कुछ भी नहीं अल्लाह मालिक है माफ करेगा सुनो किसी से बात नहीं करनी उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना आजादी चाहिए ना बोलते तुम मरने जा रही वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस मिल जाए मैं ठीक है मैंने वीडियो दे दी उसको हाँ ठीक है मैं मरने जा रही तुम्हारे में कोई नहीं आएगा ऐसा करना है मैं कुछ भी वीडियो भेज दी अब मैं मरना चाहती हूँ मम्मी थक गई हूँ यार लाइफ से डेड हो गई हूँ मैं कब तक है तू मैं कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा पापा कल जालौर जाते नहीं पापा अब लेट हो गया पापा लेट हो गया लेट हो गया पापा कल जा रहे हैं तो लेट हो गया उसको बता तू शांति रात जी वो मैंने अब नहीं जीना सोनो अब नहीं जीना बेटा सोनो मेरी बात अब बता दी सोनो मेरी बात सुनेगी पहले इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना नहीं जीना मुझे मैं जा रहा हूँ जालौर मेरे को खाली मेरी की ले मेरी बात सुन ले बेटा इतना तूने सुना ना मेरा नहीं यार माँ ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरा बेटा
उस नाम को याद रख, उस नाम को याद रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। आयशा रदियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को, अम्मा आयशा रदियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आई बच गई तो ले जाना, तो डबल कर देना। तू मैं जागर जा रहा हूँ, नहीं जागर जा रहा हूँ, कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ, बस तेरे को कलाम पार्टी कसम है। देख अब बस पापा, अब बस तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली बात, जो मिल गए। नहीं अब अब मौत करीब, अब नहीं जीना वो दुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सब परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग जेल जाएंगे। कोई जेल नहीं जाएगा बेटा, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अभी मैं थक गई हूँ, मैं मोंटू को भेजता, मेरी बात सुन, मैं मोंटू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है? बता दई रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा? पापा मैं थक गई हूँ, कोई सलूशन नहीं है मेरी जिंदगी। सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन। तू बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस तो वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा फिर भी मेरी जिंदगी में, नहीं आएगा बाप भी आएगा। एक बार भी उसे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया, तू घर आ जा बस, एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तू कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा। नहीं आ जाओ बेटा, समझती तू नहीं है तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। तो मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल नहीं तो कौन सी जगह, मैं मोंटू को भेजता हूँ गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास। हाँ है, हेलो। हाँ पप्पा, आज तो वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, आ जा बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को, आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालौर जाता हूँ मैं, आ जा तू घर आ। आयशा के पति आरिफ खान ने आयशा से कहा था कि आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाना, और आयशा ने भी ऐसा ही किया। आयशा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साबरमती नदी के पास खड़ी होकर आयशा अपना दर्द बयां कर रही है। आयशा कहती है कि मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहते रहना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ, थैंक यू दुआओं में याद रखना, जन्नत मिले ना मिले अलविदा। आयशा ने 25 फरवरी को ही खुदकुशी की थी और शनिवार को ये वीडियो सामने आया था। जरा सुनिए आयशा ने खुदकुशी करने से पहले इस वीडियो में क्या कहा। हेलो अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान, और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, इसलिए किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है, और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से, गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना, ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करें। अगर उसे आजादी चाहिए ठीक है, वो आजाद रहे, चलो अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, सर कई कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल है, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो ये ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना।
मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। आयशा तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर दहेज के लिए आज भी हमारे देश में लड़कियां जान देने पर मजबूर हैं। और वो माँ बाप आयशा के लिए, उनके पास अब आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उनकी बेटी की जान दहेज लोभियों ने ले ली। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।